अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर सलीम यूसुफ। वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो फॉर बिजनेस मैथमेटिक्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है हम बिजनेस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को फंक्शंस एंड ग्राफ्स के नाम से कोर्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जबकि यही चैप्टर बीकॉम पार्ट वन की बिजनेस मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से मौजूद है। इस चैप्टर में आपको दो शेप्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ लाइन एंड अ कर्व, जो कि पैराबोला कहलाता है। एक शेप जिसे हम लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, और एक कर्व है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको कहा जाता है पैराबोला। तो इन दोनों शेप्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी, और वो है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं? जब भी हम किसी शेप का आगाज़ करते हैं उसको ड्रॉ करना, तो सबसे पहला जो उसका स्टार्ट होता है वो एक पॉइंट से होता है, और वो पॉइंट जो हम प्लॉट करते हैं वो एक प्लेन सरफेस पे करते हैं, जैसे कि ये आपका बोर्ड है। और उस पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं तो उसके दो पोजीशंस इस प्लेन पर होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक जो है वर्टिकल पोजीशन। या यूं कह लीजिए कि आपका ये जो सरफेस है ये टू डायमेंशनल सरफेस है, इसकी एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक वर्टिकल डायमेंशन है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जबकि वर्टिकल डायमेंशंस को हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो उस पॉइंट की पोजीशन को जाहिर करने के लिए मैंने आपके सामने एक ये प्लेन बनाया है जिसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो किया है, और इस प्लेन से आप ऑलरेडी स्कूल के ज़माने से वाकिफ हैं। एक पॉइंट है जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्स का भी और वाई का भी। अब एक्स एक्सिस को अगर मैं देखूं तो इसमें भी दो पोजीशन है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एक है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस में भी दो पोजीशंस पाई जाती हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ओरिजिन के राइट हैंड की तरफ जो एक्सिस पाया जाता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड की तरफ जो एक्सिस पाया जाता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह ओरिजिन के अपवर्ड जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ओरिजिन के डाउनवर्ड जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर हम एक्स एक्सिस पर पोजीशंस दिखाने के लिए नंबर्स लिखें, तो क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो के बाद यकीनन वन आएगा, और अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो प्लस में वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएंगे तो माइनस में वैल्यूज आएंगी। तो मैंने यहाँ पर फाइव पॉइंट्स तक प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पर, और नेगेटिव में भी माइनस फाइव तक मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। जबकि इसी तरह वाई एक्सिस में अपवर्ड क्योंकि पॉजिटिव है तो अपवर्ड सारी वैल्यूज़ मैंने पॉजिटिव लिखी हैं और डाउनवर्ड सारी वैल्यूज़ मैंने नेगेटिव लिखी हैं। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ प्लॉट किया, ये देख सकते हैं आप, एक पॉइंट मैंने प्लॉट किया है, और इस पॉइंट की अगर हम पोजिशन देखें तो एक्स एक्सिस में ये फाइव के सामने है, प्लस फाइव के सामने, जबकि वाई एक्सिस पे ये प्लस टू के सामने मौजूद है। तो अब अगर मैं इसकी पोजीशन को लिखूं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स पहले और वाई बाद में, यानी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट की पोजीशन है वो पहले लिखी जाएगी और वाई एक्सिस की जो पोजीशन है वो बाद में लिखी जाएगी। ये कोऑर्डिनेट को लिखने का एक तरीका होता है। तो इसमें एक्स एक्सिस हमने दिखाया फाइव और वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन दिखाई टू। इसी तरह से एक और पॉइंट मैंने यहाँ प्लॉट किया और इसकी पोजीशन भी आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर ये थ्री के सामने है जबकि वाई एक्सिस पर ये फोर के सामने है। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स और वाई, और एक्स यहाँ पे थ्री था तो थ्री लिखा एक्स की जगह पर, और वाई की जगह पर हमने दिखाया फोर। अब ये जो पॉइंट की पोजीशन है बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, इनके भी अपने नाम हैं। एक पॉइंट की एक्स एक्सिस पर जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, और इस पॉइंट की वाई एक्सिस पर जो पोजीशन है, इस वाई एक्सिस की पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्डिनेट।
यानी अगर आपसे कहा जाता है कि एक पॉइंट हमने प्लॉट किया तो इसका एब्सिसा बताइए। एब्सिसा बताने का मतलब यह है, आपको ये बताना है कि उस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर क्या पोजीशन है। और इसी तरह अगर कहा जाता है ऑर्डिनेट बताइए तो आपको बताना है कि उसकी वाई एक्सिस पर क्या पोजीशन है। और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो हम पोजीशन ये दिखा रहे हैं इस पॉइंट की, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये पोजीशन कहलाती है कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये चार हिस्से मौजूद हैं। ठीक है, एक हिस्सा ये है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक हिस्सा ये है जिसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हिस्सा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहीं भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उसमें एक्स भी पॉजिटिव पाया जाता है और वाई भी पॉजिटिव, यानी कोई भी पॉइंट जब आप प्लॉट करेंगे तो उसकी एक्स की पोजीशन भी पॉजिटिव होगी और वाई की भी पॉजिटिव होगी। इसी तरह जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसमें एक्स की पोजीशन नेगेटिव होती है और वाई की पोजीशन पॉजिटिव होती है, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की पोजीशन नेगेटिव होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आपके सामने ये दो पॉइंट्स मौजूद हैं और इन दोनों पॉइंट्स की आपके पास पोजीशंस भी मौजूद हैं। तो इस फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट पॉइंट को मैंने नाम दिया x1 y1, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई मौजूद है और इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, तो इसको मैंने एक्स वन और वाई वन कह दिया, और इसको मैंने कह दिया एक्स टू और वाई टू। अब सर क्या ज़रूरी है मैं इसको एक्स वन वाई वन कहूँ और इसको एक्स टू वाई टू? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको एक्स वन वाई वन और उस पॉइंट को एक्स टू वाई टू भी कह सकते हैं। अब मुझे ये मालूम करना है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो क्या है। तो वो डिस्टेंस मालूम करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये मालूम करने के लिए हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और ये डिस्टेंस फार्मूला जो है सिंपल सा फार्मूला है जिसके लिए आपके पास x1, y1, x2, y2 का होना ज़रूरी है। फार्मूला कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूला की मदद से आप दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अब ये डी से तो डिस्टेंस आया, तो ये जो दो लाइंस लगी हुई हैं इनका क्या मतलब है? ये दो लाइंस जो हैं बेटा ये एब्सोल्यूट कहलाती हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इसका जो आंसर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं निकलता। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक हम साथ में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, दो पॉइंट्स के दरमियान या दो पॉइंट से एक लाइन गुजरती है तो उसका स्लोप क्या है। पहले तो स्लोप को समझते हैं। देखें, स्लोप हम कहते हैं चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, ठीक है, और इन दोनों वेरिएबल्स में से एक को अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरा भी चेंज हो जाता है। फर्ज कीजिए कि एक्स को चेंज करने से वाई में चेंज आ रहा है, एक्स को चेंज करते हैं तो वाई भी चेंज हो जाता है, एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई बढ़ जाता है, एक्स को कम करते हैं तो वाई भी कम हो जाता है, या एक्स को बढ़ाने से वाई कम हो जाता है, एक्स को कम करने से वाई बढ़ जाता है, दोनों में से कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो अगर ऐसा है कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक वेरिएबल जिसको चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है, उस एक वेरिएबल का एक यूनिट चेंज करने से दूसरे वेरिएबल के कितने यूनिट्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, देखें दो वेरिएबल जो हैं इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जिस वेरिएबल में चेंज आता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक यूनिट अगर मैं बढ़ाता हूँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल के कितने यूनिट बढ़ते या कम होते हैं, इसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है,
सिंपल अल्फाज में, तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, वाई में कितना चेंज आया एक्स को चेंज करने की वजह से, ये कहलाता है स्लोप। अब हम जरा इन पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। आप देखें जब एक्स थ्री था तो वाई कितना था बेटा, फोर। एक्स थ्री था तो वाई फोर था, फिर एक्स को थ्री से कहाँ ले जाया गया, फाइव पे, यानी एक्स को बढ़ाया गया। तो एक्स को जब हम तीन से पाँच पर लाए, यानी इसमें दो यूनिट्स का इजाफा किया, तो वाई जो है वो चार से कहाँ पर आ गया, दो पर आ गया। यानी चार यूनिट, दो यूनिट इसके बढ़ाने से दो यूनिट वाई के क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर एक्स के दो यूनिट बढ़ाने से वाई के दो यूनिट कम हो गए, तो यकीनन एक्स का एक यूनिट बढ़ाने से वाई का एक यूनिट कम हो जाएगा, तो ये कहलाता है स्लोप। अभी हमने कैसे मालूम किया, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि मैं वाई में कितना चेंज ला रहा हूँ, और सॉरी एक्स में कितना चेंज ला रहा हूँ जिसकी वजह से वाई में कितना चेंज आ रहा है, तो एक्स का चेंज देखने का तरीका क्या है बेटा, आप इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फाइव माइनस थ्री। और y का चेंज देखने के लिए आप क्या करोगे, 4 माइनस टू या 2 माइनस फोर, कि कितने यूनिट्स का चेंज आ रहा है। तो x 3 था तो y 5 था, तो x अगर 4 हुआ तो y कितना हो जाएगा, ये देखने के लिए हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो चेंज इन y कैलकुलेट करने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, y 2 माइनस y 1, y में कितना चेंज आ रहा है, देखिए पहले y 4 था, अब y कितना हो गया, 2 हो गया। तो y में कितना चेंज आया, तो इसके देखने के लिए आप क्या करोगे, एक y में से दूसरे y को माइनस कर दोगे। तो अब एक को आप y1 कह रहे हो और दूसरे को आप y2 कह रहे हो, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी को भी आप y1 और y2 कह सकते हैं। तो जब हम उनको माइनस करेंगे y2 माइनस y1, तो हमें चेंज इन y मिल जाएगा। इसी तरह जब हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन x मिल जाएगा। तो इस तरह से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे x1 कहा है तो इसी को y1 कहिएगा, और यहाँ x2 कहा है तो फिर इसी को y2। ऐसा ना हो कि x2 आप वहाँ कह रहे हैं और y2 आप यहाँ कह रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक सवाल को, मैंने आपके सामने एक सवाल सॉल्व किया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, और एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स से गुजरती है या जिस लाइन पर ये दो पॉइंट्स है उस लाइन का स्लोप मालूम करना है। तो बेटा सबसे पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे। ये पॉइंट्स कहलाएगा एक्स वन वाई वन, और ये कहलाएगा x2 y2। अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मालूम करने, डिस्टेंस मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह पे हमने पुट किया 4, और x1 को रिप्लेस किया 1 से, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की जगह पुट कर दिया 9, और y1 की जगह हमने पुट किया 5, और इसका आ गया स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ऊपर स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 ऊपर आ गया स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 आर 9 एंड 4 4 आर 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और 25 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 5। तो डिस्टेंस जो आपके पास आया बेटा 5 यूनिट का डिस्टेंस आपके पास आ गया। अब सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है स्लोप, तो स्लोप कैलकुलेट करना है हमें दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप को हम जाहिर करते हैं m की मदद से, स्मॉल m से। तो y2 की जगह पे y2 की वैल्यू पुट कर दी, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू पुट कर दी, x2 की जगह पे x2 और x1 की जगह पर x1। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। यानी आप यहाँ पर देखें तो हम x को 1 से 4 पर ले गए, तो y जो है वो 5 से कहाँ चला गया, 9 पे चला गया। यानी x में हमने 3 यूनिट्स का इजाफा किया, 1 से 4 पे ले गए, तो y जो है वो 5 से कहाँ पहुँच गया, 9 पे पहुँच गया, यानी 4 यूनिट का इजाफा हो गया। तो इसका मतलब x के 3 यूनिट बढ़ाने से y में
चार यूनिट का इजाफा होता है, या यूं भी कह सकते हैं जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 1.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप x का एक यूनिट जब बढ़ाते हैं तो y में 1.33 यूनिट का इजाफा हो जाता है। तो बेटा ये था स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो दो टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए, डिस्टेंस एंड स्लोप। अब इसके मजीद क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, ठीक है, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मजीद क्वेश्चन इसके अगली वीडियो में हम और प्रैक्टिस करेंगे। आज यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज हो हमें ज़रूर भेजें, हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट्स में मैसेज करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।